तो इसके लिए मोदी जी को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वो हमारे लिए एंट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब मुस्लिम औरतें अगर उनके स्वागत के लिए खड़े हो। अभी जो वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो राजस्थान जोधपुर का है। पहले तो नरेंद्र मोदी की रैली में मुस्लिम महिलाओं को दावत देकर बुलाया गया, मैसेज किया गया, फोन कॉल किया गया। उसके बाद जब वो महिला वहां पहुंचती है तो उन महिलाओं को रैली में जाने की इजाजत नहीं मिली, उन्हें भगा दिया गया। पहले दावत देकर बुलाया गया, उसके बाद भगाया गया। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये महिलाएं बता रही है, जो कि आपको मुस्लिम महिलाएं दिख रही है जो कि बुरखे में है। बताया ये जा रहा है कि ये मुस्लिम महिलाएं बता रही है खुद से कि पहले तो हमें SMS करके बुलाया गया, उसके बाद कहा गया कि नाश्ता पानी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में आपको आना है। उसके बाद जब ये महिलाएं पहुंचती है तो उनको भगा दिया गया। अब क्यों भगाया गया है ये आप इस वीडियो में देखिए, इन महिलाओं के मुंह से आप खुद सुनिए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग यहाँ पे पहुँचे जिसने से मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, क्या कुछ पहुँचे आप बताइए। हम मोदी जी का यहाँ स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ गेट से ही हमें कहा कि ना बुरका या तो खोल के आओ या तो अपना ड्रेस चेंज करके आओ। अब हम बिना बुरके के तो हम हमारे घरों से भी नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ तक कैसे आएंगे? हमारे घर के वाले परमिशन नहीं देंगे इसके लिए हम, और ना ही हम अपना बुरका उतार सकते हैं। जाने दे रहे हैं और सब सामान बाहर निकाल दे, पानी की बोतल वगैरह। ये मोदी जी क्या नाश्ता देंगे हमें? सुविधा देंगे। और मैडम ने मैसेज किया हमें कि कुछ खाने का लेके आना साथ में। हम सुबह जल्दी उठे, हम चाय की पी के आए बस। सब उठे हुए कब से आए? हम 5 बजे से उठे हुए हम। तो सुना आपने, ये मामला राजस्थान जोधपुर का है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुस्लिम महिलाओं को दावत देकर बुलाया गया कि आपको नरेंद्र मोदी की रैली में आना है। बताया जा रहा है, खुद महिला ने बताया, ये मुस्लिम महिलाओं ने, कि हमें मैडम का फोन आया, मैसेज आया, उसके बाद जब हम पहुंचे तो इन्हें वहां से भगा दिया गया, क्योंकि इनसे कहा गया कि आप या तो बुरखा उतार कर इस रैली में जा सकते हैं या फिर कपड़े बदल कर आप इस रैली में जा सकते हैं। महिलाएं बता रही है कि हम नाश्ता पानी ये सब कुछ लेकर आए थे और सब कुछ रख लिया गया, अब हमें नाश्ता पानी ये सब कौन देगा। बहुत उत्साह में ये लोग, ये सारी महिलाएं पहुंची थी कि नरेंद्र मोदी की रैली में हमें दावत मिला है, लेकिन उसके बाद होता ये है कि इनको वहां से भगा दिया जाता है। अब ये महिलाएं बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस गए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने के लिए इनको बुरखा उतारना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये लोग बता रही है कि ना हमें घर से इजाजत है और ना ही हम बुरखा उतार सकते हैं। ये लोग बता रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को जो आपको देखने को मिला है, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।